जिसके पीछे मधेपुरा पुलिस थी परेशान, पटना दिल्ली पंजाब हरियाणा में जिसकी हो रही थी तलाश, जिसने चलती ट्रेन से कूदकर पुलिस से बचाई थी जान, उस साथी शूटर को मधेपुरा पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार शूटर बीते 26 मई को दीनापट्टी के वर्तमान मुखिया दिलीप कुमार की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दिया था। इस हत्या के पीछे जो साजिश थी, उस साजिश को शूटर बब्बा यादव ने बेनकाब कर दिया है। इससे पहले एक अन्य शूटर नीतीश की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिसे मधेपुरा पुलिस ने रेल पुलिस के सहयोग से चलती ट्रेन से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गिरफ्तार किया था। लेकिन उस समय बब्बा ने चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई थी। उसके बाद दिल्ली पंजाब हरियाणा में पुलिस को चकमा देकर भागता रहा, लेकिन बीती रात मधेपुरा पुलिस ने उसे मुरलीगंज के चामगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एसपी राजेश कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि बब्बा यादव की गिरफ्तारी से मुखिया हत्याकांड का राज पूरी तरह से खुल गया है। उन्होंने कहा कि मुखिया के सहयोगी रहे इलाके के हिस्ट्री सीटर अपराधी अजय और विजय यादव ने इस हत्या की साजिश रची थी। अनुसंधान के क्रम में इस घटना में लाइनर की भूमिका निभाने वाले 3 अभियुक्त तथा इस घटना में शामिल एक शूटर नीतीश कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। लेकिन ट्रेन से कूदने के बाद बब्बा यादव लगातार बिहार से बाहर अपना ठिकाना बदल रहा था। ऐसी स्थिति में मधेपुरा पुलिस की एक टीम बब्बा यादव के लिए लगातार पीछे लगी रही। वह दिल्ली पंजाब और हरियाणा में लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। वह फिर वापिस बिहार आ रहा था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने उसे कल गिरफ्तार कर लिया। 26 तारीख को दीनापट्टी पंचायत के मुखिया दिलीप जी की हत्या हो गई थी। कांड दर्ज होने के पश्चात अनुसंधान से स्पष्ट हुआ कि इस घटना में मुख्य रूप से 2 शूटर हैं जिन्होंने इनकी हत्या की है, नीतीश कुमार और बब्बा यादव। इस घटना में जिन्होंने लाइन दिया था, लाइनर का जो काम किया था, उसकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी और उसके गिरफ्तारी के पश्चात पूरी बात सामने आ गई। तत्पश्चात मेरे द्वारा इस शूटरों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधेपुरा के अलावा हमारे टेक्निकल सेल और थाना अध्यक्ष मुरलीगंज सम्मिलित थे। इन लोगों ने दोनों शूटरों का पीछा करते हुए मिर्जापुर यूपी के पास में नीतीश कुमार की गिरफ्तारी करने में सफलता पाई थी, परंतु दूसरे अभियुक्त बब्बा यादव ट्रेन से कूदकर भागने में सफल रहे थे। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुनः मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनिल रवीश रंजन, धर्मेंद्र कुमार और टेक्निकल सेल के हमारे कर्मी धीरेन्द्र कुमार और एक चौकीदार को शामिल कर उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। ये सभी उसके पीछे लग गए गिरफ्तारी के लिए। पहली जानकारी यह मिले कि वो दिल्ली पहुंचा है ट्रेन से भागने के बाद, इन लोग दिल्ली पहुंचे, फिर वहां से जानकारी मिला कि नहीं, वहां से फिर वो निकल गया चंडीगढ़ के लिए। फिर हमारी टीम चंडीगढ़ गई, चंडीगढ़ से भी वो बड़ा सात्विक तरीके से, कहीं भी एक दिन से ज़्यादा नहीं टिकता था, वहाँ से फिर जलंधर के लिए निकल गया। फिर हमारी टीम पीछा करते हुए जलंधर भी गई, पुनः वहाँ ये नहीं मिला और वहाँ से फिर एक सुल्तानपुर जगह है जो कि पंजाब और हिमाचल का लगभग बॉर्डरिंग इलाका है, वहाँ पे जानकारी पे लोग गए। वहाँ भी उसको जैसे ही पुलिस पहुँची वहाँ भी उसको भनक लग गया और वहाँ से निकल गया हो, और निकल करके जब देखा कि हर जगह भाग रहे हैं, पुलिस लगातार इसको पीछा करते आ रही है, तो वो घर के लिए फिर वहाँ से सीधा दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ा और वहाँ से फिर घर के लिए लौटने लगा। हमारी टीम भी उसके पीछे पीछे दूसरी ट्रेन से लौटने लगी और जैसे ही वो अपने घर यहाँ पर मुरलीगंज में जहाँ उसका घर है के करीब चामगढ़ चौक के पास पहुंचा, तो वहां पे उसको दबोचने में हमारी टीम सफल रही और उसे गिरफ्तारी पर उसके पास से एक पिस्टल, 4 गोली बरामद हुआ है, कुछ और भी आपत्तिजनक चीज़ें उसके निशानदेही पर बरामद हुई है। उसने भी पूरी घटना का खुलासा किया और वही बात बताया कि इसमें
जो षड्यंत्रकारी है वो अजय यादव और विजय यादव दोनों भाई है, उन्होंने इसको 12,000 रुपया दिया था, जिसमें से इसका बुआ यादव का कहना है कि 1,000 नीतीश को दिया और उसके बाद जाकर के दोनों ने ये घटना कर दिया। पूरे घटना 2-2.5 लाख रुपये में बात हुई थी, लेकिन वो पैसा इन लोगों को नहीं मिला और घटना करने के बाद चूँकि पुलिस पीछे लग गई तो दोनों यहाँ से भाग गया था। इस घटना का बहुत जल्दी हमारी टीम ने पूरी तरह से खुलासा कर दिया है। अब इसमें जो षड्यंत्रकारी लोग बचे हैं उसे भी हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। इस घटना के उद्भेदन में सम्मिलित सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया।